हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आर्यन ब्रह्म भट्ट और आपको मेरी चैनल ऑल इन वन बाबा पे हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज हुई है 25 डेट 25 तारीख और आ रही है दिवाली 4 तारीख को। तो अभी हम जा रहे हैं दिवाली की शॉपिंग करने। दिवाली में क्या लेंगे? कपड़े नहीं, हम जा रहे हैं अभी पटाखे लेने। अच्छा, और हम अभी जहाँ जा रहे हैं उसका पता वेदांत को नहीं चलने दिया है, यानी वेदू को अभी तक पता ही नहीं है कि हमने जाना है। और हम जाएंगे सावली, वहाँ पे एक फैक्ट्री है, तो अभी हम वहाँ पे जाने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ और वेदू का एक्सप्रेशन देखना, क्योंकि वो अभी घर पे भी नहीं है और वो नीचे है, तो हम नीचे से उसे उठा लेंगे तुरंत और जाएंगे हम पटाखे लेने। Oh my God! Wow! तो फ्रेंड्स, चलिए अभी वेदांत को बुला लेते हैं। यहाँ पे पीछे सब लोग खेल रहे हैं, तो अभी हम जाएंगे वेदांत को बुलाने। तो चलिए, अभी दिख नहीं रहा है वो कहाँ पे। फ्रेंड्स, वेदांत हमें मिल चुका है, ये रहा रेड टी शर्ट। तो अभी हम बोलेंगे उसको कि चलिए अभी चलते हैं हम घूमने। वेदांत चल, फरवा चल जल्दी। यहाँ पे वेदांत आ चुका है, लखोटी खेल रहा था। तो अभी चलते हैं हम सीक्रेट प्लेस पे, जो हम सभी को पता है पर वेदांत को पता नहीं है। तो चलिए अभी सीधा चलते हैं वो प्लेस पे जो मैंने आपको पहले बता दिया है। अभी हम निकल चुके हैं, तो रास्ते में पेट्रोल भराने रुके हैं। तो आप अभी दिखा जाओ कितने का होता है पेट्रोल। 104 की प्राइस हो चुकी है, देखते हैं अभी। फ्रेंड्स, अभी ये हमारा पुराना घर आया, ये फ्लैट आप देख सकते हो, ये रहा ऊपर वाला हमारा घर है टॉप पे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीक में हमारा दूसरा व्लॉग आने वाला है। वो व्लॉग में हम जाने वाले हैं एंजॉय सिटी फिर से, तब पर हम सब आएंगे, पर वेदांत नहीं आने वाला है क्योंकि उसको इस बार परमिशन नहीं मिली है। वेदांत नहीं आने वाला है, उसको नहीं ले जाना है, हमें ले जाना ही नहीं है तुझे। हाँ, वेदांत छोटा है, 200 रुपए भले तू दे, बच्चे नहीं जाते। हाँ, बच्चे नहीं जाते अब, बच्चे एक ही बार जाते हैं। तू भी छोकरा ही है, मैं छोकरा ही हूँ, मैं तेरे से मोटा ऊपर। नहीं, तू बहुत छोटा है। हाँ चल बोल दे, वो क्या बोलना है, सब्सक्राइब करो, कैसे बोलते हैं, क्या सब्सक्राइब करो बोल तो, जोर से मास्क निकाल के बोल, सब्सक्राइब करो किसको, ऑल इन वन बाबा को। इस बार नहीं जाना है पटाखे लेना। ये जगह से हम जाते ही नहीं है पटाखे लेने। कहाँ पे? कहाँ उधर, कहाँ पे, कहा उधर पर गए, पीछे कौन गए? हम यहाँ से पटाखे लेने कभी भी गए ही नहीं है। ये वेदांत बोल रहा है कि लास्ट ईयर पापा ने यहाँ से हमें पटाखे लेने ले गए थे। अभी हम पहुंच चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन पे। कहाँ गया था तू अभी? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। क्या करना है? ये करना है। तो रुक, अभी हम कहाँ पे आए? कपड़े लेने। किसके कपड़े लेने? ओम के। तेरे भी लेने हैं साथ में कपड़े? तेरे भी ले लेने हैं।
ले ले। नहीं लेना है। चल हम जाते हैं कपड़े लेने। अभी हम बस एंटर हो रहे हैं हमारी जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे। पीछे आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, ये देखो एक मिनट रुक। इसको अभी पता नहीं है, अभी पता चलेगा इसको थोड़ी ही देर में। तो चलिए देखते हैं वेदांत को क्या पता चलता है। वेदांत 3 2 1 स्टार्ट। कहाँ है अब? पता चलेगा। कहाँ है अब? पता चलेगा। कैसा लगा? मजा आया। सरप्राइज कैसा लगा? अच्छा लगा। तो चलो स्टार्ट कर दो सब लेना। यहाँ पे अभी हमने सब कुछ ले लिया है, तो ऑलमोस्ट अभी बिल बनना स्टार्ट हो चुका है हमारा। तो यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो, ये जो भी है ये सब हमारा अभी स्टार्ट है। तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि कितने का हुआ है। तो ये जगह जो है वो बहुत ही बड़ी है। तो जो लास्ट मतलब हम 5-6 साल के से यहाँ पे ही आते हैं, तो वहाँ पे पीछे एक जगह पे है, वहाँ पे मतलब वहाँ बहुत ही मतलब हम क्या कि लास्ट एंड में आते थे, तो लास्ट 2-3 दिन में बहुत ही भीड़ होती थी। तो अभी तो वैसी कुछ भी भीड़ नहीं है, पर यहाँ पे अभी अच्छे से हमें मिल गए क्योंकि हर साल बहुत ही भीड़ होती है यहाँ पे। फ्रेंड्स यहाँ पे टोटली ख़त्म हो चुकी है हमारी जो शॉपिंग थी दिवाली की पटाखे की। तो यहाँ पे बिल बन चुका है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि बिल कितने का हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको पूरी शॉप अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे जो था वो सब बिल का था। यहाँ पे चेकिंग होता है बिल्स, और आगे भी मतलब बहुत ही बड़ी फैक्ट्री है ये। यहाँ पे अंदर भी होता है ये जो डोर है वहाँ पर अभी बंद है, जब दिवाली नज़दीक आएगी तब स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा आप, और बहुत ही अंदर है ये, बहुत ही बड़ी फैक्ट्री है ये। ये जो भाई है वो अभी हमारे जो भी पटाखे हैं वो रखने आए थे, तो ये भाई तो कुछ यूज़ नहीं करते, तो इनको फॉलो भी नहीं कर सकते हम। फ्रेंड्स यहाँ पे है पूरी टीम यहाँ की, जो भी यहाँ पे पटाखे बेचते हैं उनमें से है। तो ज़्यादातर इन लोगों ने हमारे साथ रहकर हमें मतलब पूरा सब पटाखे खरीदने में बहुत ही मदद की है। फ्रेंड्स ये सब इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, तो इनकी आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। तो प्लीज़ ये भाई को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब नहीं फॉलो कर देना, क्योंकि इंस्टाग्राम आईडी है, यूट्यूब तो है नहीं। तो फॉलो कर देना इन लोगों को इंस्टाग्राम पे। फ्रेंड्स वो लोग सबके वीडियो डालने की वजह से बिल दिखाना तो रह गया, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ बिल। ये रहा फ्रेंड्स हमारा बिल, आप देख सकते हो फाइनल अमाउंट 6,345,6,300 रुपये, ऑलमोस्ट 350। फ्रेंड्स आपको मतलब थंबनेल देख के ऐसा लग रहा होगा कि थंबनेल में तो 7,500 के पटाखे लिखे हैं, पर बिल में तो इतने ही है, 6,500 ऑलमोस्ट। तो हमारे जो और पहले से लाए थे 2 दिन पहले, तो वो अलग से लिए हुए हैं, वो अभी मैं घर पे जाके आपको बताऊंगा। तो वो है पॉपअप के बॉक्स जो बड़े आते हैं, वो 2 है, और एक बॉक्स दूसरा है, टोटल वो भी 1,000 के ऊपर चला गया है, 1,200 जैसा है।
तो 7,500 हो चुके हैं। तो अभी बीच में नाश्ते का टाइम है, खाने का टाइम है, और फिर हम जाएंगे घर पे, और वो तब मैं आपको दिखाऊंगा कि वो पॉपअप बॉक्स कितने है, कैसा है, सब दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली अभी हम घर पे पहुंच चुके हैं। ये इसकी साइज आप देख सकते हो कितना बड़ा है। ये तो इस साल नहीं लाया, बस हम सबसे बड़ा वाला, जो सबसे बड़ा वाला था वो मेरे शोल्डर तक आता था। ये तो आप देख सकते हो लेवल, ये फ्रेंड्स इतना ही है मेरा। हर बार जो लाते थे वो शोल्डर तक आता था, और इस बार सब बड़ा बड़ा लिया है हमने, कुछ भी वैसा छोटा नहीं लिया है, सब कुछ बड़ा लिया है मैंने। और वेदांत को तो फोड़ना आता ही नहीं है, पटाखे जलाना आता ही नहीं है, सो ये अभी नहीं, ये दोनों जो भी थैले है वो दोनों मेरे ही है। नहीं, आप देख सकते हो यहाँ पे दो थैले आपको देखने को मिलेंगे, और ये होगा टोटल 7,500 का। तो जो दूसरा है मैंने आपको बोला था कि मैं बताऊंगा, तो चलिए मैं अभी बताता हूँ वो आपको। फ्रेंड्स, ये है जो दूसरे मैंने बताए थे वो, ये दोनों पॉपअप है। इसमें टोटल 50 बॉक्स आएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक बॉक्स है, ऐसे टोटल 50 आएंगे इसमें, और उस इसमें भी 50 आएंगे, और ये लास्ट ईयर के हैं मेरे। और ये आप देख सकते हो, ये कुछ न्यू है, पॉपअप जैसा ही है, और ये वेदांत ने तो स्टार्ट ही कर दिया है फोड़ना जलाना। ये जो दिख रहा है आपको वो जस्ट फेंकना है, तो उससे भी पॉपअप जैसा ही होगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, ये पटाखे लेने वाला। तो ऑफकोर्स ये लेने वाला बनाया है, तो जलाने वाला बनाऊंगा ही, तो आपको मज़ा आएगा। और न्यू ईयर का भी मैं बनाने वाला हूँ, न्यू ईयर पे जो हमारी दादी है 90 या 90 अबोव ईयर्स की, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वो ब्लॉग में, जो अब मैं बनाऊंगा तब। पर ये हम जाने वाले हैं एंजॉय सिटी, बट शायद उसका ब्लॉग मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि एंजॉय सिटी का ब्लॉग पहले मैंने बनाया हुआ है। इस बार हम सब फ्रेंड लोग जाने वाले हैं, और ये वेदांत नहीं आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बाय, सब्सक्राइब कर देना मेरी ये चैनल को, और जिन लोगों ने भी अभी तक ये वीडियो को लाइक नहीं की है, लाइक कर दो, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको वो जगह का एड्रेस ही बताना भूल गया। वो जगह का नाम है राकेश क्रैकर्स, और वो है सावली में, जो बड़ौदा से एटलीस्ट 30 किलोमीटर दूर है। तो आप वहाँ से ले सकते हो, बहुत ही बड़ी फैक्ट्री है, बहुत ही अच्छा सामान मिलता है। हम 4-5 साल से वहाँ से ही लाते हैं पटाखे सब, तो हमें उनका अनुभव भी है, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर देना, बाय फ्रेंड्स। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।